फिल्म की शुरुआत में हमें कोव नाम के एक पायरेट्स का जहाज दिखाया जाता है जो समुद्र में मौजूद जहाज को लूटने के लिए उस पर हमला शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पायरेट्स का वाइस कैप्टन कैप्टन जेब दूसरी जहाज के एक आदमी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है वो हमें दे दो वरना जीवित नहीं बचोगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि हम साइंटिस्ट है, हमारे पास ऐसा कोई भी कीमती चीज नहीं है सिवाय एक नक्शे के जो विलियम नाम के पायरेट के खजाने का है, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। इसलिए जेफ उस आदमी से नक्शा लेकर उसे देखने लगता है कि आखिर खजाना कहाँ छिपाया है। साथ ही वो उस आदमी को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है जिसने उसे खजाने के बारे में बताया। पर तभी वहाँ पायरेट्स का कैप्टन लिंच आकर जेफ से सवाल करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो नक्शा लेने की। कैप्टन मैं हूँ इसलिए जो मैं चाहूँ वही होगा, लाओ वो नक्शा मुझे दे दो। जिस पर जेफ मजबूरन उसे नक्शा दे देता है। अब रात को जेफ अपने साथियों के साथ नक्शा लेकर साइंटिस्ट के साथ जहाज से भागने का प्लान बनाता है, इसलिए वो नक्शा लेने लिंच के कमरे में जाता है जहाँ वो बैठे बैठे ही सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर जेब चुपचाप उसके पास से नक्शा चुरा कर तुरंत साइंटिस्ट के जहाज में सवार हो जाता है। लेकिन तभी लिंच की आंखें खुल जाती है और अपने पास नक्शा ना पाकर एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं जेब उसे जहाज से भागते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो भी तुरंत उसके पीछे जाकर कैनन से उसके जहाज पर हमला कर देता है। पर तभी अचानक समुद्र में तूफान उठने लगती है जिस वजह से एक भयंकर बिजली साइंटिस्ट के जहाज पर गिरती है जिसके अंदर दरअसल टाइम मशीन रखा हुआ था, और अब उस बिजली के कारण वो टाइम मशीन जेफ और उसके पूरे जहाज को वहां से गायब कर देती है। अब अगले सीन में हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहां जॉश नाम का लड़का नदी में नाव चला रहा होता है। साथ ही वो अपने पिता को भी याद कर रहा था क्योंकि उसके पिता कुछ दिनों से लापता है। जिसके बाद जॉश बीच पर आ जाता है जहां उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। वहीं जॉश का एक दोस्त है जो मेटल डिटेक्टर से कुछ ढूंढ रहा होता है, और तभी एक पत्थर के नीचे उसे विलियम के खजाने का नक्शा मिलता है जो देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं कि अगर ये असली तो वो सभी खजाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि ये नक्शा किस तरफ से स्टार्ट होगा क्योंकि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिया गया था। पर फिर भी वो सभी उस नक्शे को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर बीच के दूसरे किनारे पर हम जेफ और उसके साथियों को देखते हैं जो सभी टाइम ट्रेवल करके इस समय में आ चुके थे। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जो उन्हें पायरेट्स के कपड़े में देखकर कहता है कि लगता है तुम कुछ ही दिनों में होने वाले पायरेट्स के शो की तैयारी कर रहे हो जिसे विक्टोरिया नाम की फीमेल करने वाली है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ ऐसे पड़े हुए देखकर लगता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा पी रखी है इसलिए तुम्हें जेल जाना होगा। जो इतना कहकर वो सभी को अपने साथ जेल ले जाता है। अब अगले सीन में हम उसी पायरेट्स को शो के ऑडिशन में देखते हैं जहाँ की डायरेक्टर जोश की माँ विक्टोरिया है जो लोगों को पायरेट्स कोव के ऊपर नाटक करना सिखा रही होती है क्योंकि 1700 के समय में पायरेट्स को अचानक ही समुद्र में सफर करते हुए गायब हो गए थे। कहा जाता है कि शायद वो सब बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर चले गए हो। तभी विक्टोरिया की भतीजी बेट्सी को पुलिस वाला फोन करके कहता है कि तुम्हारे शो के कुछ लोगों को मैंने पकड़ लिया है, उसे यहाँ आकर छुड़ा लो, इसलिए वो तुरंत जेल जाने के लिए निकल जाती है। अब अगले सीन में बेट्सी जॉश के प्ले हाउस में आती है क्योंकि वो अक्सर शो की चीजें अपने प्ले हाउस ले जाता है, इसलिए बेट्सी वहां रखी कुछ चीजें ले लेती है जिनमें वो नक्शा भी शामिल होता है, जिसके बाद वो जेल में आकर जेफ और बाकियों को छुड़ा देती है। और जब वो उन्हें अपने वैन में बिठाकर शो में ले जा रही होती है कि तभी जेफ और उसके साथियों को वैन में वो नक्शा दिखाई देता है जिसे वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेट्सी के कारण वो नहीं ले पाते। दूसरी तरफ जॉश और उसके दोस्त जब प्ले हाउस में आते तो उन्हें वो नक्शा कहीं नहीं दिखाई देता जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। तब उन्हें वहाँ बेट्सी का लिखा हुआ नोट मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो नक्शा बेट्सी अपने शो में ले गई है, इसलिए वो सभी उस शो में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर बेट्सी जेफ और बाकियों को विक्टोरिया से मिलवाती है जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि वो सब असली पायरेट्स लग रहे थे, इसलिए वो उन्हें बेट्सी के साथ स्क्रिप्ट याद करवाने भेज देती है। तब विक्टोरिया के पास जॉश आकर कहता है कि मुझे वो डब्बा देखना है जो बेट्सी यहाँ लेकर आई है क्योंकि उसमें मेरी एक चीज थी, इसलिए वो उसे डब्बा दे देती है जिसके अंदर से जॉश नक्शा लेकर वहां से जाने लगता है। पर उसे जाते हुए जेफ और बाकी देख लेते हैं, लेकिन वो उसके पीछे जाते इससे पहले ही बेट्सी स्क्रिप्ट लाकर उन्हें दे देती है जिस वजह से वो लोग जॉश के पीछे नहीं जा पाते। इधर जॉश और बाकी नक्शा पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी गलती से हैज उस पर जूस गिरा देता है, और अब गीला होते उस नक्शे में कुछ पहेलियां
लिखने लगती है जिन्हें इनविजिबल इंक से लिखा गया था, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। साथ ही उस पहेली से उन्हें पता चलता है कि सबसे पहले उन्हें नक्शे के बीच में बने स्कल जैसे चक्र को पूरा करना होगा, जो चार टुकड़ों में बटा है। और भाग्य से उन्हें पहला टुकड़ा उसी डब्बे में मिल जाता है जिसमें नक्शा रखा था। तब जॉश की दोस्त ब्रिज कहती है कि मैंने ऐसा ही एक टुकड़ा पुराने चीजों की दुकान पर देखा था, जो जानकर अब सभी तुरंत उस दुकान के लिए निकल जाते हैं। अब दुकान में आने के बाद सभी उस टुकड़े को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो टुकड़ा कहीं नहीं मिलता। और अब निराश होकर जब वो दुकान से जा ही रहे होते हैं कि तभी ब्रिज की नजर एक हार्ट के स्टैचू पर पड़ती है जिसमें ही वो टुकड़ा रखा हुआ था। इसलिए वो सभी उस टुकड़े को भी लाकर नक्शे पर रख देते हैं और अब उन्हें बस दो टुकड़ों की जरूरत है। अब अगले सीन में जॉश और बाकी लाइब्रेरी में विलियम के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं ताकि इससे उन्हें तीसरे टुकड़े के बारे में पता चल सके। तब जॉश को एक किताब में एक आदमी के स्टैचू के बारे में पता चलता है जो हर सफर में विलियम के साथ था, और नक्शे के अनुसार उन्हें ये भी पता चलता है कि जिस तरफ वो स्टैचू इशारा करेगा वही तीसरा टुकड़ा होगा। जॉश अब सभी से कहता है कि ये स्टैचू हमारे इलाके के एकदम बीच में रखा हुआ है और वो स्टैचू जिस तरफ इशारा करता है वहाँ बहुत ही पुराना चर्च है। इसीलिए अब सभी उस चर्च की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद वो सभी उस तीसरे टुकड़े को ढूंढने लगते हैं। तभी जॉश की नजर वहां रखी कई सारी पुरानी किताबों पर पड़ती है जिसमें से एक किताब विलियम द्वारा लिखी गई थी। और अब जैसे ही जॉश उस किताब को खोलता है उसके अंदर उसे तीसरा टुकड़ा मिल जाता है, जो देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। अब अगले सीन में जॉश और बाकी आगे के क्लूज को फॉलो करते हुए एक लाइट हाउस के पास आ जाते हैं, जहां आकर सभी आखिरी टुकड़े को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलता। तब है जो उस पहेली को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जब लाइट हाउस की रोशनी एक पत्थर पर पड़ेगी तब उस पर एक स्कल चमकने लगेगा और उसी के नीचे आखिरी टुकड़ा होगा। और भाग्य से तभी उस लाइट हाउस की लाइट एक पत्थर पर पड़ती है जिससे तुरंत स्कल बन जाता है, जो देखकर है जैसे उस पत्थर को हटाता है उसे उसके नीचे वो आखिरी टुकड़ा मिल जाता है जिससे वो एकदम खुश हो जाता है। अब अगले दिन सभी उस चारों टुकड़े के मिल जाने के बाद नक्शे में बनी आगे की चीज को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तब चिप नाम का जॉश का दोस्त सभी से कहता है कि इस नक्शे में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये नंबर्स डिग्री में, जिसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगुलेशन है जिसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन दो पॉइंट्स के एंगल से हम तीसरे पॉइंट का पता लगा सकते हैं और तब जो जगह हमें मिलेगी वही जगह होगी जहाँ खजाना रखा होगा। इसलिए अब सारे दोस्त मिलकर उन दो पॉइंट्स वाली जगह की मदद से तीसरे पॉइंट का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो आखिर में सफल भी रहते हैं। पर तब जो जगह उन्हें मिलती है वो शमशान घाट में बना पुराना गेट होता है, इसलिए सभी डरते हुए उस गेट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है जिसके ऊपर उसी चक्र को लगाने की जगह बनी थी। इसलिए जॉश उस जगह पर उस चक्र को रख देता है जिससे उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। और अब जैसे ही सभी उस जगह के अंदर जाकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां विलियम का सारा खजाना मिल जाता है, जो देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर तभी जॉश का प्रोफेसर जॉश के दोस्त ब्रेन के साथ वहां आकर सभी से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद, जिस खजाने को मैं काफी समय से ढूंढ रहा था वो आखिर मुझे मिल ही गया, क्योंकि वो साइंटिस्ट वाली शिप मेरी ही थी जिसमें मैंने टाइम मशीन बनाया था ताकि मैं किसी भी समय में जाकर वहाँ का खजाना चुरा सकूं। लेकिन गलती से मैं इस समय में आ गया और जब मैं इस समय में आया तो टाइम मशीन के कारण इस समय का एक आदमी मेरे वाले समय में पहुंच गया। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉश के पिता ही थे। अब आगे प्रोफेसर उनसे और शेयर करते कि अगर जेफ और बाकी टाइम मशीन के जरिए यहाँ नहीं आते तो मैं यहीं फंस जाता, पर मेरा नसीब अच्छा था जो उस बिजली के झटके के कारण वो टाइम मशीन चालू हो गई जिससे पूरे जांच के साथ टाइम मशीन इस समय में आ गया। अब मैं वापिस अपने समय में जाकर उस टाइम मशीन के जरिए किसी भी समय का खजाना चुरा सकता हूँ। तब ब्रियन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे जहाज को छुपाने के लिए अपने पिता से अनुमति ली थी, इसलिए मुझे इसके बदले खजाने का हिस्सा चाहिए। लेकिन प्रोफेसर उसे धोखा देकर अपने साथियों से कहता है कि इन सभी को बंदी बनाकर सारा खजाना जहाज में डाल दो, लेकिन जॉश उनसे बचकर वहां से भाग निकलता है और भागते हुए अपनी माँ के शो में आता है, जहाँ वो जेफ को सारी बात बताकर कहता है कि हमने विलियम का खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर आकर मेरे दोस्त को बंदी बना लिया और अब सारा खजाना लूटकर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसलिए वो जॉश और अपने दोस्तों के साथ तुरंत प्रोफेसर के पास जाने
के लिए निकल जाता है। अब जेफ और बाकी प्रोफेसर की जहाज पे आकर उसके साथियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं जॉश अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है और इधर जेफ प्रोफेसर से लड़ रहा होता है तो दूसरी तरफ चिप को खजाने में टाइम मशीन मिल जाती है, इसलिए चिप उसे ऑन करके उस समय पर सेट कर देता है जिस समय जेफ अपने साथियों के साथ प्रेजेंट समय में आ गया था। और अब टाइम मशीन के चालू होते ही समुन्द्र में एक पोर्टल बनने लगता है जिससे 1700 के समय में लिंच को प्रेजेंट समय का जेफ प्रोफेसर से लड़ते हुए दिखाई देता है। इसलिए अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इधर प्रोफेसर के पास जॉश के पिता आकर उसे पानी में फेंक देते हैं, तभी उन्हें जॉश पानी में डूबते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने चले जाते हैं। वहीं जेफ और उसके साथी खजाने वाले जहाज के साथ उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और अब उनके अंदर जाते ही सारी चीजें गायब हो जाती है। अब जॉश अपने पिता को देखकर एकदम खुश हो जाता है और तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है जो खुद भी अपने पति को देखकर खुश हो जाती है। साथ ही जॉश के सारे दोस्त भी जीवित थे तो वहीं 1700 के समय में जेफ ने लिंच और उसके साथियों को भी हरा दिया था, जिसके अलावा विलियम का सारा खजाना भी मौजूद होता है जिसे पाकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉश के सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतना अच्छा खजाना हाथ से चला गया, पर तब चिप उन्हें बताता है कि ऐसे कैसे मैं खजाने को जाने दूंगा, मैंने उस टाइम मशीन को एक हफ्ते बाद इसी समय पर सेट कर दिया है जिससे कि खजाने के साथ जेफ और बाकी एक हफ्ते बाद वापिस यहीं आ जाएंगे, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।